अपने स्तर पे जैसे क्या प्रयास होंगे इसमें? देखिए, जो इंदौर और भोपाल के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन थी हमारी डबल डेकर, जो जिसको चलाया गया था तो करीब 8 या 7 को से चलाया गया था, और ये सोच के चलाया गया था कि इंदौर के और भोपाल के यात्रियों के लिए सुखद रहेगी और उसको लोग उपयोग करेंगे। लेकिन हम लोगों ने पिछले टाइम देखा कि उसमें यात्री कम है, तो उसको कोच को कम करते हुए हम लोगों ने उसको 3 कोच का किया। 3 कोच का करने के बावजूद भी वो गाड़ी खाली चल रही है, तो रेल प्रशासन उसकी उपयोगिता को देखते हुए कुछ निर्णय लेने जा रहा है, वो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। किस प्रकार इसको बंद किया जाएगा आगामी दिनों में? देखिए, ये जो निर्णय है वो हायर रैंक पे होते हैं, तो जो भी निर्णय होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि बंद करना और चलाना मुख्यालय का काम होता है, तो मुख्यालय से जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे वो आप लोगों को मालूम। देखिए, ये बात सही है कि यहाँ इंदौर के लिए और भोपाल के लिए एक बहुत अद्भुत सेवा थी, और लेकिन हम रेलवे वालों से ज़्यादा यात्रियों को सोचना चाहिए कि इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाते, क्योंकि जितना आरामदेह एसी में हम लोग जाते हैं, जिसका फेयर जो भी है, जो इंडियन टैरिफ के मुताबिक ही है, उसका फेयर कोई ज़्यादा नहीं है, उसका कम उपयोग यात्रियों ने किया है, तो उसका जो भी है वो यात्रियों को मिलना देखा। शहर का बड़ा दुर्भाग्य है, कोई सुविधाएं मिलती छीनने की पहले तैयारियां हो जाती हैं, और इसको ऐतिहासिक गाड़ी थी इस इंदौर शहर के लिए, कि पहली गाड़ी ऐसी जो मिली थी जो आज तक इसमें की कोई गाड़ी नहीं आई, और उसको भी छीना जा रहा है, तो इसके लिए इस शहर के सभी मुआंदे संगठनों को मिलकर लड़ना चाहिए और ये सुविधाओं को हनन नहीं होना चाहिए। और अब तो हम यहाँ का नेत्र भी बड़ा पावरफुल है, उसको सबको मिलके लिख के भेजना चाहिए कि यह सुविधा जो छीनी जा रही है इसको वापस चालू रखा जाए, क्योंकि ये गाड़ी जो एक अपने आप में अजूबा थी।